हेलो फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों ने कहा कि अमेठी पे कुछ करना चाहिए कि अमेठी में चुनाव आ गया है। तो मैंने कहा कि अमेठी में तो अब कुछ बचा नहीं है। मैं तो मुबारक देता हूँ सोनिया गांधी जी को, प्रियंका और राहुल को कि इतना बढ़िया आपने मास्टर स्ट्रोक खेला कि आपने एक व्यक्ति को बिल्कुल, क्या कहते हैं वो, निकम्मी तो वो पहले ही थी, मतलब आपने बिल्कुल उसको पर्सन नॉन ग्रेटा जो हम कहते हैं ना, कि उसकी अब कोई वजूद ही नहीं रहा। क्योंकि उसका जो वजूद था, मेरे को उसका पूरा नाम याद ही नहीं रहता, मैं उसको स्मृति हैरानी कहता हूँ, क्योंकि वो हैरान परेशान रहती हैं जब से मैं देख रहा हूँ या वॉच कर रहा हूँ उनको। तो वो बिल्कुल उसकी, कहते हैं ना, दुकान ही बंद हो गई। उसकी दुकान ही इस पे चलती थी कि वो राहुल गांधी को अपोज कर रही थी। और अब देखिए कितना वो बुखला गए आपके। मैं इसीलिए सोनिया जी को, राहुल और प्रियंका को मुबारक देता हूँ कि इतने ये बुखला गए कि इनका जो स्मृति का जो माई बाप है वो भी बोल रहा था, भागो मत, भागो मत, डरो मत। अरे भागो मत, डरो मत, आप जाके लड़ो ना बरेली से इलेक्शन, आप लड़ो साउथ से इलेक्शन, आप क्यों वाराणसी से लड़ते हो फिर? डरो मत, भागो मत। तो ये पूरी जमात ही जो है ना, ये हल्के लोगों की है और कहते हैं लड़ो नहीं। अब मेरे को ये लगता है और सभी लोग ये कहते हैं जितना मेरी चर्चा होती है सबसे, कि अब राहुल का जो स्टैचर है बहुत ऊंचा हो गया है। राहुल अब स्मृति से लड़के क्या करेंगे? व्हाट डज ही वांट टू प्रूव? नथिंग। राहुल इज मच मच हायर, स्मृति उनके लेवल की नहीं रह गई। स्मृति हैरानी जो है उसको तो, जो मेरी खबर है, मैं दीपक शर्मा जी का शो बड़ा शिद्दत से देखता हूँ, वहाँ अशोक वानखेड़े, अभिषेक, रविकांत जी, इतने अच्छे लोग आते हैं। तो वो बता रहे थे मेरे को आज, रविकांत जी, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, कि वो तो 60,000 वोट से केएल शर्मा जी जीत रहे हैं, पंडित केएल शर्मा। पर आप देखिए किरदार, देखिए पंडित केएल शर्मा जी का ये किरदार है कि वो 83, इमेजिन कितने सालों से, मोर देन 3 डेकेड, 30-31 साल से वो सेवा कर रहे हैं वहां पे। उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। वो है सही राम का जो स्वरूप है, राम के जो करेक्टर है, राम की जो आदतें हैं, वो पंडित केएल शर्मा किशोरी लाल जी में है। ये स्मृति हैरानी में नहीं है, ये तो दूसरी सरकार होती है तो सिलेंडर सिर पे उठा के घूमती हैं, और अपनी सरकार बनी तो 1300 का हो गया। ये तो मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। और ये जो मैं अमेठी के खास लोगों को, मैं क्रिमिनल लॉ पिछले 50 साल से पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, ये स्मृति हैरानी के खिलाफ क्लियर कट चीटिंग का केस बनता है। और एक आदमी नहीं, सभी लोग डाल सकते हैं अपने अलग अलग थानों में, सभी डाल दीजिए कि जी इसने 13 रुपये किलो चीनी का वादा किया था, इसने नहीं दी, तो ये चीटिंग हो गई। क्लियर कट चीटिंग है। नो लॉयर इनका, कोई अटर्नी जनरल, कोई सोलिसिटर जनरल, कोई सरकारी वकील, वैसे भी इनके ज्यादा सरकारी वकील नालायक हैं, कोई बचा ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूं आपको, आप फाइल कीजिए क्रिमिनल केस इसके खिलाफ, बिल्कुल। और एक और ये बात कहती है मेरे को, बड़ी वो भी हंसी आई मेरे को, इनका एक और साथी है, वो उसका मेरे को पूरा नाम भी इनके मेरे को रहते नहीं है, सुधांशु है कोई, ऐसा मुझे पता है। मैं तो उसको सुधांशु खुराफाती कहता हूँ, क्योंकि चोर चोर मसेरे भाई। तो ये स्मृति ईरानी, मेरे को सुना है मैंने, वो कह रही थी कि राहुल और प्रियंका उससे डिबेट कर ले। अरे आप बताओ ना, किससे डिबेट करोगे? वो सुधांशु खुराफाती से डिबेट कौन करेगा? राहुल प्रियंका एक अच्छे परिवार से हैं, डिसेंट है, उनकी स्पीचेस देखिए कितना एक सब्सटेंस से, एक सलीके से बात करते हैं, एक तहजीब याफ्ता लोग हैं। और वो सुधांशु खुराफाती जो है, आप कह रहे हैं उससे डिबेट कर लो। क्यों भाई, क्यों डिबेट कर लो? वो दारा सिंह, आपको याद होगा दारा सिंह जब इलेक्शन, जब कुश्ती लड़ते थे, तो वो कभी कभी उनसे कोई आता था तो कहते पहले मेरे छोटे भाई से लड़ लो रंधावा से, फिर देखूंगा। तो इसलिए कांग्रेस ने अच्छा काम किया कि आप किशोरी लाल जी से लड़ लो पहले। वैसे तो किशोरी लाल जी भी उनसे बहुत आगे हैं, मैं ये कहूँगा, जो स्टैचर उनका है किशोरी लाल जी का, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, जितना मेरा एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है रहता है, कि इतने अच्छे इंसान हैं, जो मेरी खबर है पंडित किशोरी लाल बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि पंडित किशोरी लाल जी को ही वोट देनी चाहिए। और ये जो स्मृति हैरानी है, खासकर औरतें, आप देखिए महिला मंत्री होते हुए कठुआ रेप पे नहीं बोले,
रेसलर्स लेडीज को इतना जलील किया गया नहीं बोली ये, मणिपुर में रेप हुए नहीं बोले, पार्लियामेंट में एक महिला की बेइज्जती की ये नहीं बोली, बोली ही नहीं है। एक महिला मंत्री होके जो इतना गिर सकती है, जो इकबाल साहब लिखते हैं, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन, तो ऐसी महिला को तो कम से कम, महिलाओं को तो ये डिसाइड, जिस किसी भी महिला का जितना सा 1 रुपए का भी आत्मसम्मान है, इसको वोट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जब महिला नहीं देंगी तो पुरुष को क्या मजाल है कि वो दे दे। तो कहने का मतलब ये किसी की भी डिजर्व नहीं करती। और कैसे वहां कैसे फेस करती हैं यूथ को जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो अग्निवीर स्कीम आप ले आए हो, मैं तो हैरान हूं ये शक्ल कैसे दिखाते हैं, कितने बेशरम है। मेरी माँ कहती थी कि बेटा शर्म तो आनी जानी चीज है, आदमी ढीठ चाहिए। तो ऐसे ढीठ लोगों को मेरे को लगता है कि इलेक्टोरेट को चुनाव में हराना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल पंडित किशोरी लाल जी जो हैं ऐसे अच्छे व्यक्ति को वोट देना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। आपके कुछ सुझाव हो तो मेरे को ashok@2310gmail.com पे भेज सकते हैं। और इनको कहिए कि आप अपना नाटक करिए, सास भी कभी बहू थी, वैसे तो वो भी नहीं मिलेगा आप, क्योंकि नाटक जब तक इमेज ठीक थी नाटक मिलता था। और मैंने तो सुना है इनकी बेटी वहां बीफ बेचती है गोवा में, मुझे नहीं पता, पता कराइए। और वैसे भी आपको पता है ये जो लोग हैं ये सारे जो नकली जो हिंदू हैं, मैं इनको नकली हिंदू कहता हूँ, असली नहीं है, बीफ बेचने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए का आप चंदा लेते हैं और कहते हैं गाय हमारी माता है। वाह भाई, चलिए मिलेंगे खूब। पंडित किशोरी लाल जी को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, सोनिया जी को, प्रियंका और राहुल की, आपने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला इसको, बिल्कुल ही इसकी जो औकात थोड़ी बहुत बची थी वो भी खत्म कर दी। थैंक यू, बाय।